ब्यूटीफुल फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज है दीपावली और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पे, 650 ग्राम के समथिंग मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। और जो घी है मैंने एक कटोरी यहाँ पे घी लिया हुआ है। घी को मेल्ट करके ही आप मेज़रमेंट ले तो सही साठ मेज़रमेंट आएगा आपका। वही वाली कटोरी का नाप लेके मैंने एक कटोरी पानी लिया हुआ है और एक कटोरी शक्कर लिया हुआ है। जिस भी आप नाप से मेज़रमेंट कर रहे हो ना, उसी नाप से आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है। मेज़रमेंट सही से लेना है, मैंने आपको यहाँ पे सबसे इजी तरीके से बता दिया है। कोई भी एक नाप ले ले, उसी से आपको ये तीनों चीज़ें नापनी है एक समान। देन उसके बाद में आपको मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ये मेरा कढ़ाई है, इसमें पानी डाल देती हूँ। ये एक कटोरी मैंने पानी डाला हुआ है, देन एक कटोरी ये घी भी डाल देंगे। ये है मेरा सूखा पूड़ी वाला डो और ये है मेरा शक्करपारे वाला डो। मैंने दो डो बना के यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, अब तीसरा मैं गुलाब जामुन का बना लेती हूँ। तो मैंने एक ही बर्तन एक्चुअली यूज़ किया हुआ है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है वो थोड़ा सा तीखा वाला है, बट उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था इसको, और मैंने वो शक्करपारे वाला डो बना लिया था। देन अब मैं गुलाब जामुन वाला बना लेती हूँ। ये मीठा ही था एक्चुअली, तो मुझे इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो गुलाब जामुन वाला डो भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के आराम से ना सारे जो चीज़ें हैं वो अलग अलग शेप में बना लेंगे, देन फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि एक एक को बनाएंगे, एक एक को तलेंगे, एक एक को चीज़ें करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ऐसे में टाइम के साथ साथ मेरे पैर भी बहुत दुखने लगेंगे। तो मैं बस डो बना के ना पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है मैं बैठ जाऊँगी आराम से और फिर मैं सारे शेप में चीज़ें बना लूँगी। तो चलो इसको भी खोलते हैं कैसा होता है। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का पैकेजिंग आता है, इसका ठीक ठाक आता है इस टाइप का। इसमें पाउडर फॉर्म में आपको गुलाब जामुन का ये मसाला मिल जाएगा। चलो इसको खोलते हैं। तो मैंने ये पाउडर ले लिया है, इसका निकाल लिया है पैकेट से, और इसमें मैंने दूध मिलाया हुआ है, कच्चा दूध। आप पैकेट का दूध भी ले सकते हो, घर का दूध भी ले सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे इसमें दूध डाला हुआ है और थोड़ा सा घी डाला हुआ है। मैंने यहाँ पे मेल्ट करके अलग से रखा हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी डाला हुआ है ताकि इसका डो भी सॉफ्ट बन के तैयार हो और हमारे गुलाब जामुन ना एकदम परफेक्ट बन जाए। तो चलो इसको अब अच्छे से मल लेते हैं, लगा लेते हैं इसको। इसी तरीके का डो बना के कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे डो बना लिया है गुलाब जामुन का। चलो अब तीन डो मेरे कंप्लीट हो गए हैं और ये इन्होंने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं, देन इसको शेप बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, आपको जिस भी साइज़ में कट करना हो, जिस भी शेप में कट करना हो आप कर सकते हो। अगर कुछ डिज़ाइनर शेप देना हो तो उस तरीके से भी आप कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरीके से मैंने इसको कट किया हुआ है, और बस इतना ही साइज़ रखना है, क्योंकि ये तेल में जाके फूल जाएगा और इस जो साइज़ अभी दिख रहा है ना, इससे डबल साइज़ का हो जाएगा। तो बस इतना ही साइज़ रखना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो। एकदम लो फ्लेम पर ही इसको पकने देना है, क्योंकि लो फ्लेम पर पकने देंगे ना आप तो ये काफ़ी अच्छे से फूल के ना काफ़ी अच्छे से बनेंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो जो फ्लेम है उसको लो रखना है, तेज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना, कितने बढ़िया कलर में आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको और चलाएंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। जो पूरी का डो था ना, वो उसकी मैंने इस तरह की पूरियाँ बना ली है, गोल गोल बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है, बिल्कुल एकदम क्रिस्प बनेगी ये। धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी ये, काफ़ी दिनों तक आप इसको स्टोर करके खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सब पूछते रहते हैं कि वो आ गए तो क्या करोगे, जाके बताते हो। चला के दीवाली में के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी छोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरी छोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आएंगे ही तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम को।